बहुत ही बढ़िया और अच्छे ढंग से सिखाती हैं। आपके सामने देखो, आप इंद्री से आए या बाहर से आए हैं, कब उठाएंगे और कब अपना तैयार होकर फिर आपके मध्य में दंडासन में सीधा बैठे, सीना उभरा हुआ, साइडों में हाथ करके कमर सीधी गर्दन सीधी, आज्ञा चक्कर के अंदर मानसिक ओम का स्मरण, अपनी तरफ खींचते श्री को साधना है। दो वापी सीधे पैर कर दे, एक बार फिर इसी का अभ्यास करें। एक दो छोड़ दीजिए, यहीं से आप वज्रासन पर बैठेंगे, अगला आसन करेंगे वज्रासन। घुटनों का दर्द के लिए आपका यह आसन गैस आदि को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, और खाना खाने के बाद इसे बैठे तो बहुत अच्छा। थोड़ी देर के लिए अपने घुटनों पर हाथ, सीना उभरा, सांस के वक्त पीछे, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए बहुत ही बढ़िया आसन। दो एक बार फिर, एक दो मैडम जी है और हमारे मास्टर जी को मोड़ना, कोशिश करें। दो वापिस, एक बार फिर कर लें इसका अभ्यास, एक और दो और तीन पर पीछे की ओर झुक जाएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बड़ा कमाल कर रहा है भाई, आराम से बैठ जाएंगे। ये आपके बैठकर आसन, अब हैं आगे झुकने वाले, यहीं से वज्रासन से मुंह का आसन, जैसे मिन्नक बैठता है ऊपर शरीर को खींचकर। इंसान के ऊपर कोई भी आसन नहीं है, क्योंकि इंसान तो सीखता है दूसरों से। एक बार फिर करें इसी को, एक दो, हाँ ऊपर की ओर तीन खींचते हुए इस तरह गिनती से बाजू खोलते हुए चार पांच। अगला आसन करेंगे वक्रासन, सीधे बैठे पैरों को करके हाथ को बाएं घुटने पर लपेटते हुए पीछे की ओर देखा, वापिस आराम से छोड़ते हैं। पेट का व्यायाम है ये, बहुत अच्छा वक्रासन, आराम से छोड़ दीजिए। ये आपके बैठने के आसन, अब है आपके पेट के बल लेटने के आसन, वक्रासन पर लेट जाए। अपने हाथों पर रखा हुआ कपोल रखा हुआ, थोड़े पैर खुले हुए, इतने पैर खोले, पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें, थोड़ी जमीन पर सांस को भरते हुए नाभि तक शरीर को उठाएंगे। एक रीढ़ का बेटे ऊपर उठो पीछे, दो नीचे, एक बार फिर, एक दो। इसका दूसरा अभ्यास है कंधों के बाहर हाथों को रखना है, जैसे पनियर सांप आगे से हाथ भी उठाएंगे और सेना भी श्वास को भरते हुए। एक इसी को, एक थोड़ी के दायां सिरे पर पैर मिले हुए, इसमें बाजू सीधी करनी है और बाएं साइड से अपनी एड़ी देखनी है, पैरों को मिलाते हुए सांस को भरते हुए एक बाजू सीधी कर दें और बाईं ओर से अपनी एडी को देखें पीछे से, कोशिश करें। दो सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, एक बार फिर सांस भरते हुए। बहुत ही बढ़िया, कितने
बहुत ऊंचा उठाए हुए हैं, ऐसे आपके वहीं से भी पैर जाने चाहिए। दो, एक बार फिर सांस करते हुए, एक दो, आराम से हमारे हौसला अफजाई की। ऐसे ऐसे अधिकारी बड़े ही होनहार पुलिस अधिकारी हैं, विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पहले भी इंद्री में सेवाएं दी, बीच में इनका यहाँ से तबादला हो गया था, लेकिन पुनः फिर आपके बीच यहाँ पहुंचे हैं। फरीदाबाद के पास वहाँ पर तीन चार जवान मेरे तीन चार टेंट दिए गए कैंप, आज वो साइबर सेल में और फरीदाबाद कोर्ट में, इसमें ये हर जगह तीन तीन दिन का शिविर लगाते जा रहे हैं। अगला प्राणायाम करेंगे आप, खींचते हुए और उंगलियों से फिर बाई नाश्ता को बंद करते हुए बाई नाश्ता का सांस छोड़ते हुए, बाई नाश्ता से शुरू करना है और बाई नाश्ता से ही समापन करना है। देखिए बाई नाश्ता हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम है, ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, और दाहिना नाश्ता जो है प्राण वायु जो ऑक्सीजन है, जितना आप लंबा सांस लेंगे उतना ही आप इसका फायदा उठाएंगे अनुलोम विलोम का। इसके कई करने से फायदे बहुत होते हैं, हमारे नजरों पर इसका बहुत असर पड़ता है, आपका सिर दर्द नहीं होगा, बुद्धि तेज होगी, ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी प्राणवायु, इससे हमारा शरीर सबल बनता है, स्वस्थ बनता है, बुरे विचार बाहर निकलते हैं और अच्छे विचार अंदर परमात्मा प्रवेश कराता है। सोचेंगे दूसरों के स्वास्थ्य के लिए, सोचेंगे देश के लिए, सोचेंगे तो इसलिए हमें हर रोज जैसे हमें खाने की जरूरत है इसी तरह हमें व्यायाम और प्राणायाम आदि आसनों आदि की बहुत देखते हुए मुंह बंद थोड़ी देर के लिए श्वास को अंदर रोकें और बाई नाशिका से श्वास बाहर, जितनी गुंजन हो कि हमारा मस्तिष्क कंपायमान हो जाए। एक बार फिर सांस भरते करेंगे, बहुत ही आपको लाभ होगा इसका। एक बार फिर श्वास खींचते दोबारा करें, ढंग से कर रहे हैं दोनों हाथ 2% लोग ही ये जरूर करनी चाहिए। सारा दिन 24 घंटे में से हमें 1 घंटा जरूर शरीर को देना चाहिए, और ये आपके शरीर को सारा दिन स्वस्थ रखती है और काम में भी मन लगता है। इसलिए जिन लोगों को आदत पड़ जाती है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी आदत कोई नहीं है। लोग वैसे भी टाइम वेस्ट करते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई इधर उधर गप्पा मारता है, लेकिन अपने शरीर के लिए सकते और खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये कहते हैं भी आप लोग अगर कहीं किसी फंक्शन में शादी में जाते हैं वहाँ भी थोड़ा जीभ को कंट्रोल करना चाहिए, जब ही सेहत ठीक रहेगी। और मैं अपनी बताता हूँ, करीब 10 साल हो गए मैं रात का खाना नहीं खाता, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि रात का खाना ना खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुबह। तो इसलिए आप सभी लोगों को बधाई और आप लगातार ऐसे ही होगा करता नहीं। नमस्कार। दोस्ती है, साथी हैं, दोस्त हैं, उनको सबको समझाना चाहिए, व्यवस्था भी बना के रखनी चाहिए और कानून की पालना करनी चाहिए। जैसे आजकल तो समझदार हो गए सभी लोग, कूड़ा करकट के बारे में भी काफ़ी ज्ञान हो गया लोगों को, पहले तो एक दूसरे के मकान के आगे फेंक देते थे। अपने आप को ही बड़ा बुरा सा लगता है, पहले तो लोग ऐसा कर देते थे दूसरे के मकान के आगे, खाली प्लाट में बहुत गंद इकट्ठा कर देते थे। तो आप लोग खान पीन का भी ध्यान रखें और ये लगातार ये योग बिल्कुल भी बंद ना करें, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। अभी आप लोग जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये लगातार करते रहना चाहिए। जहाँ बाहर भी जाए बंदा, कहीं रिश्तेदारी में जाए, वहाँ भी जो सैर का शौकीन है या इस चीज़ का शौकीन है, मेरे ख्याल में वहाँ भी करेगा वो, चाहे छत पर बैठ के करना पड़े उसको। और वैसे भी शहर में कोई अच्छे कामों में आप लोगों ने समय निकाल कर समय देना चाहिए। लो विजय बाबू जी।
हमारे अतिथि जो आज सतपाल जी आए हैं, जो थाना इंचार्ज इंद्री हैं, और हमारा पतंजलि योग समिति के जो सदस्य हैं, सभी का यहाँ पे स्वागत है और आप लोगों का भी स्वागत है। तो आयुष विभाग करनाल जो बहुत अच्छी तरीके से जो आज हमारा आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो शिविर आयोजित किए जाने वाला है, करता है कि सभी योग के प्रति जुड़े और सभी अपने परिवार दोस्तों को इसके साथ जुड़ें। और योग से आपको सभी को पता कितने फायदे होते हैं कि बहुत सारी जो हमारी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर हमारी जो कल हमने बात की थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, यानी कि जो बीमारियां हमारी गलत खान पान और जीवन शैली की वजह से बढ़ती जा रही हैं, और हमारा हजारों करोड़ रुपए का जो खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस दिशा में आयुष्मान भारत योजना की एक शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ही हमें सबसे पहले उन्होंने यही देखा कि इतना ज़्यादा हमारा दवाइयों का जो खर्च बढ़ा है तो वो कैसे ठीक हो, वो हमारे प्राचीन और उन्हीं के माध्यम से आपको जो ना ठीक किया जाए। क्योंकि योजना के तहत हमारी सरकार ने आयुष्मान में ही आपका जो डायग्नोस वो आपके आसपास जो भी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे हो जाए, और फिर भी अगर कोई बीमारी लगता है तो आयुर्वेद है। योग के माध्यम से हम लगातार अगर कुछ शारीरिक अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक होगा, हमारा मन भी ठीक होगा, तो ये बीमारियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। कुछ सेंटर हैं जैसे कि भादसो है और जो हमारे इंद्री हैं, तो ये हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। और दूसरा हमारे जो आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है वो छोटी छोटी बीमारियों को पहचान कर लेंगे, उससे घरेलू नुस्खों के बारे में आपको बता के आपका जो मार्गदर्शन करेंगे और उसको मतलब घर पे ही ठीक कर लिया जाएगा उसको, ताकि वो बीमारी आगे बढ़े ही ना और आपका शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती रहे और आप रोग मुक्त रहें। और योग तो आपको पता ही है कि आप करिए रोज, जो धनपाल जी और जो उनकी टीम है पूरे वो तन मन धन से लगे हैं, हम तो लगातार 7 सालों से देख रहे हैं कि वो जो भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है आयुष विभाग की तरफ से पूरा कंधे से कंधा मिला के वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारा हम करते हैं यानी कि जो सांसों को बाहर निकालते हैं उसके बाद जो कुंभक लगाने से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि यानी कि थोड़ी देर के लिए एक शून्य की स्थिति होती है, शरीर के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न खड़ा होता है। जब वो जीवन मरण का प्रश्न खड़ा होता है तो वो शरीर में क्या करता है, वो हमारी एक इमरजेंसी जो एक कंडीशन को डेवलप कर देता है, वो इमरजेंसी जो कंडीशन है वो क्या करती है, शरीर को नई उसे लड़ने के लिए मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो एक युद्ध करती है अंदर। जैसे बचपन के अंदर बच्चे जो होते हैं वो उनके अंदर बोन मैरो सेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो धीरे धीरे जैसे हम ग्रोइंग फेस में जो क्रिएट करते हैं उस शरीर के जो बोन मैरो सेल है जो हमारे हिप जो हिप बोन्स हैं और हमारी स्टलम है इसमें ज्यादा मिलते हैं, वो वहां से निकल के हमारे ब्लड के अंदर फ्लो होना शुरू होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे को युवा रखेंगे। हमारे जो सेल्स हैं जो रोज मरते हैं तो वो उनकी जो मरने की जो है वो तो चलो होते रहे लेकिन नए भी पैदा होते रहेंगे, तो हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे जो सेल्स हैं टिश्यूज हैं वो जल्दी जल्दी रिपेयर होते रहेंगे और हम हमेशा जवान महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और दूसरे हमारे बॉडी से ये बार बार जो है टॉक्सिन्स की जो बात करते हैं, जैसे जो भी त्रिदोष हम अपने आप को मानते हैं कि जो परमात्मा ने त्रिदोषित हमारे को बना के भेजा है, इसमें वात पित्त कफ तीन तरह के जो दोष माने गए हैं उन्हीं से हमारा बॉडी का जो है संरचना जो बनती है, तो वो हमारे दोष जो है वो साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी कि जैसे आप बात को ऐसे समझ सकते हैं वायु यानी कि शरीर के अंदर कहीं भी हमारे जो बोन्स हैं वो जहाँ पे भी खाली स्थान है वहाँ पे वायु का निवास है, वही वायु क्या करती है पूरे शरीर में खाना पचाने का काम करती है, जो ब्लड को लेके जाती है न्यूट्रिशन को लेके जाती है वो हमारा प्रॉपर हो जाता है। जो दूसरी जो हमारा दोष है वो पित्त, ये जो पित्त है यानी कि हमारी जो गर्मी यानी कि जो हमारा खाना पचाने का जो कार्य करती है जठराग्नि, तो 5 तरह की जो अग्नियां मानी जाती हैं,
तो वो हमारा जो जैसे कि हम देखने का कार्य करते हैं, उनसे खाना पचाने का काम करते हैं, ये सारा हमारा उसमें पित्त के अंदर आता है। और तीसरा दोष हमारा कफ, यानी कफ हमारा यदि बल प्राकृतिक अवस्था में हमारा जो बल है उसको हम कफ कहेंगे, और अगर विकृत अवस्था में वो हमारा उसको मतलब एक तरीके से आज भी हम देसी भाषा में कहते खांसी होगी ना तो कहते भी कफ होगा, तो वो कफ विकृत अवस्था यानी कि वो बलगम को बोलेंगे उसमें। तो साम्यावस्था में हमारा कफ जो क्या है वो बल है। तो त्रिदोष जब ये हमारे साम्यावस्था में रहेंगे तो हमारे शरीर को वैसे ही धारण करते हैं जैसे कि तीन जो दंड होते हैं वो किसी चीज को हम टिका देते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड है ये जो ना मोबाइल का स्टैंड होगा तो मोबाइल को धारण करेगा, ऐसे तीन दोष हमारे शरीर को भी धारण करते हैं। देखो जी आजकल जो है गर्म जो ग्रीष्म ऋतु होगी है तो इसमें ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सब लोग समझदार हैं कि जैसे हम जल्दी उठेंगे तो अपना मल मूत्र विसर्जन करने के पश्चात थोड़ा सा पानी पियेंगे सवेरे और सैर करेंगे या योगा करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो हमारे विकृत दोष है वो जल्दी निकल जाते हैं। अगर हम भ्रम मुहूर्त की बात करते हैं जो 35 मिनट के करीब होता है उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि जो एक खास तरह की एनर्जी उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती है, अगर हम भ्रम मुहूर्त में उठ जाते हैं और ये अपने जो विकार यानी कि मल मूत्र का विसर्जन समय पे कर लेते हैं तो वो जो दोष है हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा को नहीं बढ़ाएंगे, गर्मी हमारे शरीर में नहीं बढ़ेगी। जो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो गर्म जो ग्रीष्म ऋतु चला हुआ है उसमें हमारे पित्त विकार यानी कि जैसे आंखों की रोशनी का समस्या होना या फिर जो हमारे अमल पित्त यानी कि जो हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ना और ब्लड प्रेशर की समस्या का बढ़ना ये मतलब नहीं हो पाएंगे। और अगर समय पे हम योगा वगैरह करते हैं तो हमारे त्रिदोष वैसे भी साम्यावस्था में रहेंगे और हम वैसे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार पड़ भी जाते हैं तो बहुत कम पड़ेंगे अगर योगा लगातार करते रहेंगे। तो अगर हम दिन में भी अब जैसे मैंने कल बताया था अगर हमें जाना पड़ जाता है कहीं पे तो हम बहुत समय तक जो है गर्मी में नारहें अपने पूरे जो शरीर को अच्छे कपड़ों से मतलब ढक के रखें और डायरेक्ट एक्सपोजर से बचें ताकि हमें हीट स्ट्रोक का खतरा ना रहे, लू ना लगे। अपने साथ बॉटल्स लेके चलें, कोई छाता वाट लेके चलें क्योंकि आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है तो समय समय पर पानी पीते रहें या फिर कोई भी लिक्विड है जैसे दूध है जूस है या और ग्लूकोन डी वगैरह जो है और नींबू पानी है ये सब हम ले सकते हैं। और आम पन्ना आजकल बहुत अच्छा होता है अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, और पुदीने का जो है ना पानी है वो बहुत अच्छा कार्य करता है इसमें। देखो अगर कोई पीछे क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देखो पहले ये सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में से हम उठेंगे तो सारी हम नित्य जो क्रियाएं करते हैं प्राकृतिक क्रियाएं करते हैं वो निपटा लेंगे, और इसमें योग हम करेंगे तो उससे हमारे तीनों दोषों का समावेश होता रहता है। तीनों दोष कैसे रहेंगे, अब हमारे बॉडी के अंदर 107 मरम है, आप कोई भी योग को करते हो एक्सरसाइज करते हो तो जहां भी हम हाथ लगाते हैं जिस भी उसमें हाथ लगाते हैं वहां पे ही हमारा वाइटल पार्ट्स है, वहां पे ही हमारा एक विशेष जो है ना एक मरम है। अब जैसे ये मरम हमारे से मतलब मुगलों के टाइम से पहले ही ये हमारे से छुपा दिए गए थे, ये हमारे वाइटल एनर्जी के सोर्स हैं जहां हम टच करते हैं किसी भी विशेष पोजिशन के अंदर तो वो हमारे उस पार्ट को एक्टिवेट करते हैं ताकि उससे हमारा सर्कुलेशन को बढ़ता है। अगर बार बार हम जो सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एनर्जी जो आपकी है वो लगातार बढ़ेगी और हमारे को फायदा होगा। विशेष एक पोजीशन में हम करेंगे तो विशेष वहां पे लाभ होगा। अब जैसे हाथ की बात ही है जो ये है हमारा जैसे हाथ है स्लो नहीं दबाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, तो ये हमारे एनर्जी के चैनल्स हैं और जैसे ये हमारा ये वाला पोर्शन है तो ये सारे हरेक उसको डिनोट करते हैं, ये हमारा जो है ये उदान वायु के लिए स्थान है, उदान वायु की जो बोलने का स्थान है, जो बोलते हैं हम तो वहाँ पर जो गले में कोई भी समस्या आती है तो यहाँ से दबाएंगे तो उस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब ये मणिबंध है, मणिबंध में जो विशेषता यहाँ पे जो ज्वेलरी जो डाली जाती है चाहे मेल या फीमेल हैं जो डालते हैं तो उसका रीज़न यही है कि
यहाँ पे अगर हम दबाएंगे एक्टिवेट करेंगे तो उसको जो हमारे विशेषता जननांग जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और शादी के समय पे जो ज्वेलरीज का जो चीज जो उनको ट्रेंड दिया जाता है खासकर यहाँ पे या पैरों में, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमारे जननांग जो है ना विशेष रूप से वो प्रदीप्त हो जाए, एक्टिव हो जाए, ताकि हम उस गृहस्थ आश्रम के लिए प्रवेश कर सकें। आगे हमारा फिर हमारा जैसे जो हमारा ये कोहनी है, कोहनी के पास एक अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। मुगलों ने कह रहे थे आप कैसे छुपा दिए थे हमारे, क्योंकि वो जो भी आक्रांता यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारे संस्कृति हमारे ग्रंथों को नष्ट करने का प्रयास किया। वो जब भी कोई आक्रांत आता है वो अपनी धर्म और संस्कृति को यहाँ पे थोपता है, तभी आप उसको उसकी गुलामी को स्वीकार करोगे। अदरवाइज आपका ज्ञान अगर आपके पास उत्कृष्ट रूप से रहेगा तो आप गुलामी क्यों स्वीकार करोगे उसकी, उनकी बात को क्यों मानोगे आप। इस वजह से जैसे ही वो आते थे सबसे पहले हमारे साहित्य को नष्ट करते थे, साहित्य नष्ट होने के पश्चात हम उनकी तरफ देखते थे, वो अपना साहित्य अपने आपके पास लेके आएंगे, वो अपनी बातों को आपके ऊपर प्रेशर डाल के मनवाते थे। तो इस वजह से हमारा जो साहित्य उसमें काफी जल भी गया और काफी वो मतलब उन्होंने नष्ट किया और या वो अपने साथ लेके गए अलबेरूनी, तो लेके गए। आज भी बहुत सारी हमारी विधाएं हैं जो अलबेरूनी का जो साहित्य है उसमें दोबारा ट्रांसलेट होकर हमारे पास आया है, या फिर मैग्निस्ट्री जो है वो यहाँ से यहाँ पे आए थे तो उनका साहित्य जो चाइना से होते हुए दोबारा फिर हमारे पास आया है। तो हमारे एक जो हरिद्वार में एक हमारे जो आयुर्वेद गुरुकुल कांगड़ी है तो उसके ऋषि थे, तो उन्होंने इसमें लगभग 23 साल लगाए हैं मरम चिकित्सा को पुनर्जीवित करने के, जो हमारे 107 जो मरम्स हैं जो हमारे वाइटल्स पार्ट्स हैं उसको निकालने के लिए। और ये मरम जो वाइटल एनर्जी के जो पार्ट्स हैं, अगर यहाँ पे कोई भी प्रहार किया जाए, कोई भी यहाँ पे कोई मतलब कोई डंडा लग जाए या फिर किसी तरह चोट लग जाए तो वहाँ पे विकृति होना लाजमी है, मतलब इससे हम ठीक भी कर सकते हैं, और ये यहाँ पे अगर डायरेक्ट कोई हर्ट होता है तो वहाँ पे विकृति भी पक्का आती है। तो इसलिए इनको योग के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया गया था, जो जो अपने पतंजलि जो 7th-8th century के आसपास जो हुए हैं, तो इनको इस शुद्ध रूप में लिख दिया गया ताकि जो विशेषज्ञ ही इनको ये बता पाए कि यहाँ पे ये क्या है और किस तरह काम करते हैं। तो फिर हम उसी के रूप को देखते हैं कि योग के रूप में अलग अलग जो एक्सरसाइज हैं, अलग अलग जो आसन हैं, वो इनको एक्टिवेट करने का साधन बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पटिका से साहब का मान सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर जी विजय कुमार जी और सारी टीम, SHO साहब का सम्मान कर रही हैं। हम आगे भी उम्मीद रखेंगे साहब से कि हमारा समय समय पर आकर मार्गदर्शन करते रहेंगे, संतुलन बनाए रखूंगा रखूंगी, संतुलन बनाए स्थिति मेरे मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावना। ओम नीचे और श्वास भरेंगे ओम की ध्वनि। और से आज शिविर का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज हमारे बीच इंद्री थाना प्रभारी सतपाल जी पहुंचे हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है और काफ़ी देर तक हमारे बीच रहे, योगासन प्राणायाम उन्होंने किए हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था बना करके कानून व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ रह सके और क्या वो संदेश देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत जा रही है और नशे की वजह से ही यह क्राइम पनप रहा है। युवा नशे की तरफ ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा योगासन प्राणायाम की तरफ उनका रुझान हो ताकि उनकी मन स्थिति भी सही रहे। तो इंद्री थाना प्रभारी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल जी हमारे बीच पहुंचे, बहुत बहुत आपका आभार है सर।
कानून व्यवस्था किस प्रकार से बनाए रखे, और जो आज युवा जो है ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहा है, वो युवा नशे की तरफ ना जाए, योगासन प्राणायाम या अन्य एक्टिविटी करे ताकि उनकी मन स्थिति सही रहे और क्राइम भी कम से कम हो, इस प्रकार की संदेश। जी नमस्कार जी, मैं आज के युवाओं से सभी से अपील करूंगा कि नशे से बहुत दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को भी परिवार को भी और मैं कहता हूँ आने वाली युवा पीढ़ी को भी नुकसान करता है। इसकी बजाय आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी पढ़ाई में या अन्य किसी कार्य में ध्यान दें। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर रहें। सर एक योजना सरकार ने चलाई है 112 डायल करें और वह गाड़ी आप तक पहुंच जाती है, क्या क्या उससे हमें फ़ायदा मिलता है महिलाओं को अक्सर, क्योंकि देर रात को जब महिला कहीं ऐसी स्थिति में हो जाती है तो 112 डायल करने पे उन महिलाओं को किस किस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराती है? डायल 112 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, सभी को पता है, और कोई भी लोग किसी को भी किसी समय भी हम कोई एमरजेंसी 112 पे डायल कर सकते हो, आपको तुरंत उसकी सुविधा मिलेगी। ये लेडीज़ के लिए नहीं, मैं कहूँगा जेंट्स भी अगर कोई ऐसी कहीं दुविधा में है फंसे हुआ, उसको जरूरत है पुलिस की, तो डायल 112 पे कॉल करके देखे, तुरंत विद इन 5 मिनट या 10 मिनट उसको के पास पुलिस पहुंच जाएगी। और महिलाओं के लिए तो स्पेशल है, अगर महिलाओं को किसी भी कहीं से बाहर से आ रहे हैं, कोई उनकी एक्टिवा स्कूटी ख़राब हो जाए या बस में से लेट हो जाए, घर जाने में कोई दिक्कत है, तो तुरंत 112 पे डायल करें, आपको दूर घर तक पहुँचाने का काम करेगी। सर एक और बताएं कि 112 जो है क्या दूसरे एरिया के भी हमारे एरिया में यदि वो आ रही है वो उसकी सेवाएं दे सकते हैं, या जो अपने एरिया में जो गाड़ियां लगाई गई हैं लगभग 2 गाड़ियां हैं या वही आएंगी या कहीं से भी जो भी टच में होगा वो आ सकती है, क्या इसकी सेवा? बिल्कुल, इसमें एरिया का कोई नहीं है, जो आप नज़दीक होगी उस टाइम इसका कॉन्टैक्ट पंचकूला से होता है, वहाँ से जो गाड़ी आ गई एक बाई चांस हमारी गाड़ी यहाँ की गाड़ी कहीं किसी काम पे पहले से गई हुई है और आप किसी पब्लिक मैन को दोबारा जरूरत पड़गी, जो गाड़ी नज़दीक होगी चाहे वो कुरुक्षेत्र की है चाहे हमारे यमुनानगर की है लाडवा की है जो भी है वो भी पहुँचेगी आपके पास। देखिए ये डायल 112 घटना स्थल से जो भी गाड़ी नज़दीक होगी वह गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी और संबंधित जो थाना है उसको सूचना दे दी जाएगी उस घटना के बारे में। 112 का मकसद यही है कि तुरंत पुलिस आपकी सहायता के लिए मौके पर पहुंच जाए, और सरकार की बहुत बढ़िया यह योजना है। और सर आजकल क्या है कि बाजार के अंदर अतिक्रमण हो रहा जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही, जो बच्चे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना और वो निरंतर गाड़ी को इतनी दौड़ाते हैं जिससे दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, इवन यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है, ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश दें? पहले तो उनके परिवार वालों को कोई संदेश देंगे भी, परिवार वालों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जो बच्चे अभी तक अंडर एज हैं उनसे गाड़ी ना चलवाएं ना उनको गाड़ी दें, और फिर भी इसमें प्रावधान अगर वो नहीं मानते हैं तो उसमें पेरेंट्स का भी चलान किया जाएगा। देखिए जिसके पास लाइसेंस नहीं है या अंडर 18 के जो बच्चे हैं वो गाड़ी ऐसी ना चलाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, युवा होते हैं उनको पता नहीं होता ट्रैफिक के नियमों का, और ड्राइविंग लाइसेंस भी तभी बनता है जब ट्रैफिक के नियमों का आप पालन करेंगे और उसका निरंतर ट्रेनिंग भी होती है उसकी, और ट्रेनिंग के बाद ही फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। तो सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी। सर एक अगर किसी का लर्निंग लाइसेंस आ रहा हो अकेला गाड़ी चला रहा और अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है आजकल, लर्निंग लाइसेंस एक्सीडेंट हो जाता है जैसे कि रात हुआ था। वो कोई बात नहीं, वो तो उनको सपोर्ट करेगा ही, लर्निंग भी अथॉरिटी द्वारा ही बनाया जाता है, वो अगर ऐसी कोई बात आ गई तो वो उनको सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी, और हमारे बीच संजीव जी हैं, डॉक्टर संजीव जी जो कल भी आपके साथ जुड़े थे और आज फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल भी ये हमारे साथ रहेंगे। तो थोड़ा सा हम इनसे आज ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि पंचकर्म की भी ये वहाँ से कोर्स करके हैं, पंचकर्म में हम कहाँ इसका फ़ायदा ले सकते हैं, नज़दीक में कहाँ इसकी व्यवस्था है। जी डॉक्टर धन्यवाद विजय जी, आप और आज के जो सेकंड डे था हमारा योग शिविर का उसमें काफ़ी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और सभी ये संदेश देके जा रहे हैं कि
जो भी योग करेगा तो वो निरोग रहेगा। और सभी एक व्यक्ति को हाथ पकड़ के लेके आए और उसको योग शिविर में लेके आएंगे तो वो ना केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ व्यक्ति ही पूरे हमारे स्वस्थ जो है देश का निर्माण कर पाएगा। जो हम पंचकर्मा के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें हमारे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पंचकर्मा सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में सेक्टर 6 में कम्युनिटी सेंटर है, तो कम्युनिटी सेंटर में ही एक पंचकर्मा सेंटर हमारा स्थापित है। और इसमें 5 तरह के जो कर्म माने जाते हैं जिसमें बमन विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन, ये जो कर्म है हमारे, ये 5 कर्मों के माध्यम से हम शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो बमन जैसे हम उल्टी लगा के हमारे कफ दोष को बाहर निकालते हैं, और विरेचन के माध्यम से हम पित्त को बाहर निकालते हैं, और आस्थापन और अनुवासन वस्ती जो कि क्वाथ के रूप में, तेल के रूप में हमारे जो पक्वाशय है, जो मल का द्वार है, वहाँ से दी जाती है। तो वहाँ पे जो वायु का स्थान माना जाता है, अगर उस वहाँ पे ये चीज़ों का हम समावेश करते हैं तो वायु वहाँ से निकल जाती है, यानी कि यह शांत हो जाती है। और शिरोविरेचन हमारे जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं, यानी कि हमारे गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, वो शिरोविरेचन मतलब कुछ ऐसे चूर्ण नस्य दे के हम उनको छींक के माध्यम से, या फिर ऐसे तेल नाक में डाल के हम उनको जो है अपने ब्रेन में पहुँचाते हैं और वहाँ के दोषों को शांत करते हैं। तो इन 5 कर्म को जब लगातार करेंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और जितने भी हमारे दोष जो विकृत अवस्था में बढ़े हुए हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो समम अवस्था में आने से व्यक्ति में जो है पूरी तरह से बल बढ़ता है, और वो जो कुछ ऐसा अध्यय रोग भी हैं वो भी काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं हमारे। डॉक्टर साहब, इसकी व्यवस्था जो पंचकर्म की है अपने इंद्रिय में भी हो सकती है यदि कोई? हाँ, तो सरकार हमेशा इस चीज़ की तरफ कोशिश कर रही है कि प्रत्येक जो है ब्लॉक स्तर पे भी पंचकर्मा सेंटर स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। आजकल बहुत सारी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंचारी रोग, यानी कि जो हमारे गलत आहार विहार और खान पान की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, उस पर हमारा लाखों रुपए का खर्चा लगातार हो रहा है। और एलोपैथिक में इन बीमारियों को लगातार बस दवाई ही दी जा रही है और इनका कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा है। वो दवाई से केवल शांत रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो इन पर पंचकर्मा अगर हम थेरेपी करवाएं तो उससे हम काफ़ी हद तक ये जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती हैं। और अगर हम साथ साथ में योगा और आयुर्वेद का सहारा लें तो वो बीमारियां हमारे को परेशान नहीं करेंगी। ब्लॉक स्तर पे अगर हम सभी एक रेजुलेशन के माध्यम से या फिर हमारे विधायक जी से अगर हम विनती करें तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी ये पंचकर्मा सेंटर स्थापित हो सकता है। और सरकार लगातार इस तरफ प्रयासरत है कि वो अपने लेवल पे भी हर जो है सेंटर पे, खासकर जो हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं या फिर PHC लेवल पे है या फिर हमारे आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ पे भी इनको धीरे धीरे स्थापित करने के बारे में गंभीर है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव जी, जिन्होंने पंचकर्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। और जल्द ही अगर विधायक जी का रेजुलेशन या विधायक जी के नोट से मुख्यमंत्री के पास पहुंचे तो इंद्री में भी इसको स्थापित किया जा सकता है ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और तमाम हमारी वीडियो को देखने वाले लोगों से मेरी विनती है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें हमारे पेज को। 4 पेज पर ये लाइव जा रहा है और कल भी यह 4 पेज पर लाइव रहेगा। तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़ें और योग करें, निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।